हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 5 इंग्रेडिएंट के साथ सूजी एंड पोटैटो फिंगर्स, परफेक्ट स्नैक्स इस मौसम के लिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। मैंने आधा कप सूजी लिया है, रवा जिसे बोलते हैं। इसमें मैं 1/4 कप लूँगी गुनगुना पानी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। हम गुनगुना पानी इसलिए डालते हैं कि जो सूजी है वो हमारे अच्छे से पानी को सॉक कर ले। इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। अब ये हमारा रेडी है और मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूंगी रेस्ट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से पानी को पी ले, सॉक कर ले। मैंने दूसरे बॉल में 3 मीडियम साइज के आलू को मैश करके लिया है। इसमें मैं डालूंगी सूजी। 10 मिनट हो गया है इसे। इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा और स्वाद अनुसार नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि हमारा मिक्सचर थोड़ा ढीला है, तो आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं, या थोड़ा देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। हम हाथ में लगाएंगे कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा मिक्सचर को लेंगे और इसे एक फिंगर का शेप देंगे हम। आप छोटा बड़ा साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम सारे फिंगर्स को बना के और आधा घंटा के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। इसी प्रकार मैं सारे फिंगर्स को बना लूंगी। मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और फिंगर्स को मैंने आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखा था। इसे ये फर्म हो जाती है और फ्राई करने में थोड़ा इजी हो जाती है। इसे अलटते पलटते हुए मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैं फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप ध्यान देते होंगे मैं हमेशा चम्मच के ही द्वारा कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे इसे ज़्यादा इजी लगता है। गैस का फ्लेम मैं स्लो कर दूंगी और इसे अब मैं निकाल लूँगी। मैंने एक प्लेट पे टिश्यू पेपर लगा रखा है, इसी में मैं रखूँगी इसे, ताकि जो भी एक्सेस तेल है वो हमारा निकल जाए। और इसी प्रकार मैं सारे फिंगर्स को फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे तो सूजी एंड पोटैटो फिंगर्स बनके रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना हुआ है। रेगुलर पकौड़ों से कुछ हटके है ये, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपका कैसा बना मुझे कमेंट करें फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।